जितना भी कस्टमर आए हुए थे यहाँ पे, सब कस्टमर का सर्च किया, मोबाइल ले लिया। ऐसा मेरे भी पास पैसा हुआ था, 1.5 लाख रुपया तो जमा करने आए थे, वो चल गया। जो बैंक का मैनेजर था उससे हाथ हाँपाई किया और जो जहाँ पे पाया उसको लेते गया, और जो नेट जब नहीं देने लगा तो चोरी भी चलाया। पर बिहार की अररिया जिले से है, जहां दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक अररिया शहर के एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक को हथियारबंद लुटेरों ने निशाना बनाते हुए लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान 2 राउंड फायरिंग किए जाने की भी सूचना मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही अररिया के SP अशोक कुमार सिंह सहित पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैंक के ब्रांच से 90 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई। शहर में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है, एक्सिस बैंक में धावा बोला। इस वारदात में अपराधियों की तरफ से 2 राउंड फायरिंग करने की बात कही जा रही है। हालांकि गोली किसी शख्स को लगी है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। घटनास्थल पर SP अशोक कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस ने फिलहाल इस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया है। एक्सिस बैंक में आज लगभग 12 बजे 6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें तकरीबन अभी तक के हिसाब से 90 लाख से ज़्यादा राशि की लूट की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया है और SIT का गठन करके कई टीमों को लगाया गया है। पलायन की दिशा में भी जो आवश्यक कार्रवाई है, CCTV फुटेज आदि का अवलोकन किया जा रहा है। बाकी सभी बिंदुओं पर जो भी एविडेंस कलेक्शन है उसका काम किया जा रहा है, ताकि इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की पहचान हो सके और हम लोग शीघ्र इस कांड में जो भी शामिल अपराध कर्मी हैं उनकी पहचान करेंगे, कांड का उद्भेदन करेंगे और लूटी गई राशि की बरामदगी के साथ साथ शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अररिया में जिस तरह से खुलेआम बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आरा में भी लुटेरों ने एक्सिस बैंक को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। अंदर घुसा, उसके बाद सबका मोबाइल कब्जा किया, उसके बाद जो बैंक का मैनेजर था उससे हाथ हाथापाई किया और जो जहाँ पे पाया उसको लेते गया, और जो जब नहीं देने लगा तो गोली भी चलाया अंदर में। तो उसके बाद हम लोगों को नगा नीचे हाथ ऊपर करके रखा, 5 मिनट रखने के बाद उसके भाई रूम में ले आके बंद कर दिया हम लोगों को। इतना ही हुआ मोहम्मद जैद, नहीं नहीं किसी को नहीं लगी, यहाँ पर आने वालों को किसी को नहीं लगी। कितने देर में अंदर में कितने देर तक ये सब चल रहा था? 15 से 20 मिनट 15-20 मिनट थे अपराधी? हाँ थे। यहाँ पे जैसे हम एंट्री किए, वो कुछ बदमाश जो 6-7 के गिरोह में था, वो सब दहशत फैलाना स्टार्ट कर दिया। सबको नीचे बैठा दिया और बोला हाथ खड़ा करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके सब दहशत। उसके बाद फिर बैंक कर्मी द्वारा ये लॉकर वगैरह खोला गया, उसे कैश वगैरह निकाला गया। उसे निकालने के बाद कस्टमर सबको, जितना भी कस्टमर आए हुए थे यहाँ पे, सब कस्टमर का सर्च किया, मोबाइल ले लिया। पैसा मेरे भी पास पैसा हुआ था, 1.5 लाख रुपया तो जमा करने आए थे वो छीन लिया, पर्स में रखे हुआ था पैसा 20,000 रुपया वो भी ले लिया, मोबाइल लिया। फिर बोला कि मोबाइल तुम लोग को लेके नहीं जाएंगे, मोबाइल यहीं छोड़ दिया। कुछ अंदर में गए, लगेज में बंद कर दिया हुआ था, उससे निकाल के, उससे जब हम लोग बाहर निकले हैं तो देखे मोबाइल मैंने को मिल गया है। लोगों के साथ मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट भी किया है, बैंक कर्मी के साथ थोड़ा सा लगा है, मारपीट किया है। और जो सब कस्टमर अगर मोबाइल निकालता था तो उसको भी लगभग वही 20-25 मिनट तक लगभग हुई है ये सब चल रहा था। हाँ, ये चल रहा था। और जो सब रॉबरी करने आया था, उन लोग की उम्र कितनी होगी? वो लोग की मामले हम लोग की उम्र की होंगी, वो लोग मैंने कि वो 30-35 के थे, 30-35 जैकेट पहना हुआ था, जैकेट पहना हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था, मफलर, हाँ 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 मफलर भी था।